यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिसार शहर के होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए गमागमी बढ़ती जा रही है। वार्डों में प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यालय खोलकर मोर्चा जमा लिया है और लोगों से विकास करवाने का वादा कर रहे हैं। हिसार के नगर निगम में ऐसा ही एक वार्ड नंबर 19 है, जो शहर के एक कोने पर होने के कारण विकास की ब्याज से दूर है। ये है हिसार नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के तहत आने वाले प्राइमरी हेल्थ और डिलीवरी हट केंद्र की हकीकत, जिसके ऊपर 50,000 आबादी के इलाज की जिम्मेवारी है, लेकिन ये खुद बीमार है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सुविधाओं का भारी अभाव है, जिस कारण लोगों को इलाज के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। ये आजाद नगर की 50,000 से 60,000 की आबादी है जी। यहाँ के दो वार्ड आते हैं, 18 और 19 नंबर वार्ड। बात रही स्वास्थ्य की, तो आप जो ये देख रहे हो, ये किराए की बिल्डिंग के ऊपर एक छोटी ही डिस्पेंसरी चल रही है, जहाँ लगभग आते हैं तो लगभग तो स्टाफ ही नहीं मिलता पूरा लोगों को। ना यहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई और है। देखा जाए तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि जच्चा बच्चा के लिए हम स्पेशल पैसे देते हैं या फिर कोई सुविधा मुहैया करवाते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक एम्बुलेंस भी नहीं है। स्पेशल इनकी कोई एम्बुलेंस नहीं है, बैठने के लिए इनकी यहाँ पे जगह नहीं है। खुद अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने बताया था कि यहाँ पे अलग से रूम चाहिए, एनएम जो एसएमओ है ये मैं उनके लिए जगह ही नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि 50-60 हज़ार की आबादी में कम से कम यहाँ पे सिर्फ ये 300 गज का है, वो भी रेंट के ऊपर है। किराए की जगह पर चल रहा स्वास्थ्य केंद्र का परिसर करीबन 350 गज में ही बना हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर्स की बैठने की भी मुनासिब जगह नहीं है। डॉक्टर्स को वार्ड में ही बैठकर काम करना पड़ता है। आपातकाल में यदि किसी मरीज को जिला अस्पताल में रेफर करना पड़े तो यहाँ पर एम्बुलेंस तक की भी सुविधा नहीं दी गई। हालांकि इसके बारे में कई बार अस्पताल को बड़ी जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। भी डिमांड है कि अलग से हॉस्पिटल, अलग से बिल्डिंग हो, क्योंकि ये छोटी सी बिल्डिंग में काम चलना मुश्किल है। हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी है, बताया भी है, जैसे पीछे से अप्रूवल हुई थी ये फायर ब्रिगेड के साथ वाली, मगर वो बनी नहीं पा। तो अब ये रेंटेड बिल्डिंग है, इसी में हमारे को काम करना पड़ेगा। किस प्रकार आजाद नगर का इसे दुर्भाग्य ही कहिए कि ये 3 वार्ड के तहत बटा हुआ है। वार्ड नंबर 18, 19 और 16 के हिस्से आजाद नगर को शामिल किया गया, इस कारण यहाँ विकास को लेकर कभी भी गंभीरता से काम नहीं हुआ है। उससे बड़ी बात ये कि आजाद नगर हिसार जिले की नलवा विधानसभा के तहत भी आता है, जिस कारण अक्सर इलाके के विकास को लेकर सियासत भी होती रहती है। नगर निगम की तरफ से यहाँ पर अक्सर विकास के कोई कार्य मंजूर ही नहीं होते। हिसार से हरियाणा न्यूज के लिए अनूप कुंडू की रिपोर्ट।